स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द करैक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बोरेन्स एंड बोरोहाइड्राइड्स। बोरेन्स एंड बोरोहाइड्राइड की हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पर देखने जा रहे हैं बच्चों। करैक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बोरेन आर क्लीवेज ऑफ BH2। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा कि BH2 जो सिमेट्रिकल क्लीवेज और जो है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज डाइबोरेन की हमने देखी थी इससे पहली वीडियो में। तो क्लीवेज ऑफ BH2 वहाँ पर देखा फ्रॉम डाइबोरेन और टेट्राबोरेन बाई NH3 ग्रुप जो है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वहाँ पर कर रहा था। और सिमिलर करेगा बच्चों टेट्राबोरेन में, जो कि रिएक्शन हम नीचे देखेंगे। डी प्रोटोनेशन ऑफ लार्ज बोरोन हाइड्राइड बाई बेस, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट हो गया है इससे। जब बच्चों डाइबोरेन है या टेट्राबोरेन है, लोअर बोरेन्स हैं तो वहाँ पर क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। लेकिन हायर बोरेन्स हैं, लार्ज बोरेन हाइड्राइड्स बाई बेस क्या हो रहा है, उनका डी प्रोटोनेशन हो रहा है। ये डिफरेंट हो गया। जब हायर बोरेन्स होंगे तो उनका क्या हो रहा है बच्चों, डी प्रोटोनेशन होता है। क्या रीज़न है वो नीचे हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होगी। लोअर बोरेन्स हैं तो वो क्या हो रही है बच्चों, जो अमोनिया से या बेस रिएक्शन की जा रही है तो क्लीवेज हो रही हैं। लेकिन जब लार्ज बोरेन हैं, बोरेन हाइड्राइड्स हैं, तो वो क्या हो रहा है, बेस के द्वारा बेस क्या कर रहा है, उनको डी प्रोटोनेट हो रहा है, H+ एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है बेस यहाँ पर, अगर हायर बोरेन्स है तो। लेकिन लोअर बोरेन्स हैं तो क्या हो रहा है, बोरेन का क्लीवेज हो रहा है, जो कि हम पहली वीडियो में हम देख चुके हैं। रिएक्शन ऑफ बोरोन हाइड्राइड विद बोरोहाइड्राइड आयन टू प्रोड्यूस लार्ज बोरोहाइड्राइड एन आयन, ये हम नीचे देखेंगे। और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो ये है कि बोरेन्स जो लोअर बोरेन्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करती हैं तो उनका क्लीवेज होता है, और जो है लार्ज बोरेन्स हैं जब वो बेस के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या करती हैं, डी प्रोटोनेट करती हैं। ऐसा क्यों होता है, उसकी क्या रीजनिंग है। और दूसरा बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डील करेंगे और लास्ट तक जब वीडियो, तो उसका बच्चों हम क्या आंसर है और क्यों है उसकी रीजनिंग समझ में आ जाएगी। ब्रोस्टेड एसिडिटी ऑफ द बोरोन हाइड्राइड फॉलो द ऑर्डर, तो इसकी जो एसिडिटी है, ब्रोस्टेड एसिडिटी जो है उस, इसका आंसर बच्चों क्या है, सी है। तो हायर बोरेन की तरफ को जाने पर एसिडिटी इंक्रीज होती है, क्यों होती है उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे और हमारे समझ में आएगा कि जैसे जैसे लोअर बोरेन की तरफ को हम जाते हैं उनकी ब्रोस्टेड एसिडिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर ब्रोस्टेड एसिडिटी या लुईस एसिडिटी, ब्रोस्टेड एसिडिटी किसको कह रहे हैं, जो H+ प्रोटोन आयन दे, और लुईस एसिडिटी क्या होती है, जिसमें जैसे कि हम डाइबोरेन में, मतलब बोरेन के अंदर पैक एंड पी ऑर्बिटल में जब कोई बेस इलेक्ट्रॉन दे तो क्या कहते हैं, ये लुईस बेस है। ये क्या बच्चों, लुईस बेस है, ये क्या है, लुईस एसिड है। लेकिन यहाँ पर हम ब्रोस्टेड एसिडिटी की बात करें, मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्या देते हैं अपना H+ आयन दे, तो H+ ब्रोस्टेड एसिडिटी क्या होती रहती है, जैसे जैसे हायर बोरेन की तरफ को हम जाते हैं तो इंक्रीज होती रहती है। उसके पीछे रीजन क्या है वो ऊपर थ्योरी पढ़ते हुए हम देखेंगे। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं यहाँ से। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्लीवेज ऑफ BH2 का हमने, BH2 यूनिट जो क्लीवेज हो रही थी हमने, या फिर BH3 यूनिट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इससे पहली वीडियो में देखिए। तो क्लीवेज ऑफ BH2 फ्रॉम BHN फ्रॉम द क्लस्टर टू डी प्रोटोनेशन ऑफ द क्लस्टर। तो लुईस बेस जो है डिपेंड करा किस तरह के हैं, लोअर बोरेन है कि हायर बोरेन है। तो लोअर बोरेन में क्या करता है, क्लीवेज करता है, और हायर बोरेन में क्या कर रहे हैं, ब्रोस्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं तो डी प्रोटोनेशन बेस करेगा। जबकि यहाँ पर क्लीवेज हो रही थी क्योंकि लोअर बोरेन एज ए लुईस एसिड काम कर रहे थे। क्लस्टर एनलार्जमेंट एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर प्रोटॉन, जैसे जैसे क्लस्टर इंक्रीज होता जाता है उसमें से क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन प्रोटॉन, ब्रोस्टेड एसिडिटी उनकी बढ़ती जाती है। लुईस बेस क्या करता है, क्लीवेज रिएक्शन है ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि डाइबोरेन में क्या हुआ है बच्चों, क्लीवेज हुआ है विद द रोबस्ट हायर बोरेन की रिएक्शन। यहाँ पर क्लीवेज मे ब्रेक सम BH बॉन्ड लीडिंग टू पार्शियल फ्रेगमेंट ऑफ द क्लस्टर। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं B4H10 में, यहाँ पर भी क्योंकि लोअर बोरेन है तो इसने क्या किया है, BH2 यूनिट को ब्रेकआउट किया है। तो इस तरह से दो अमोनिया के मोलिकूल ने यहाँ पर सिमिलर अटैक किया है, कॉन्सिमेट्रिकल क्लीवेज हुई, और यहाँ पर जो रेस्ट पार्ट हो गया बच्चों, ये पार्ट क्या यहाँ पर एनायन का आ गया है। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल क्लीवेज यहाँ पर हुई है, लेकिन डी प्रोटोनेशन होता है। इस तरह की क्लीवेज ये लुईस बेस की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, मतलब ये एज ए लुईस एसिड बिहेव कर रहा है बोरोन यहाँ पर,
लेकिन जो हायर बोरेन हो गई, जैसे कि मान लीजिए B10H14 हो गया, वहाँ पर इस तरह की क्लीवेज देखने को नहीं मिली है, बल्कि क्या हो रहा है, उनका डी प्रोटोनेशन हो रहा है। वर्क वो भी एसिड की तरह ही कर रहे हैं, बट कैसा एसिड की तरह कर रहे हैं, इस तरह का एसिड नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैसा कर रहे हैं, ब्रोस्टिक एसिड की तरह कर रहे हैं। डी प्रोटोनेशन रैदर देन क्लीवेज, क्लीवेज की बजाय डी प्रोटोनेशन हो रहा है, अकर रेडली विद द लार्ज बोरेन, जो लार्ज बोरेन्स है, ये एज ए बेस रिएक्शन किया है तो इससे प्रोटॉन अवस्था किया है, तो ये क्या हो गया, क्वार्टनरी बन गया, एच यहाँ पर आकर के लगे, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और एन आयन ये रहा है यहाँ पर, तो इसने इस बेस ने एज ए जो है मतलब यहाँ डी प्रोटोनेशन किया है, ब्रोस्टिड एसिड की तरह इस तरह से यहाँ पर हायर बोरेन बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर डी प्रोटोनेशन, जैसे कि ब्रिज का डी प्रोटोनेशन यहाँ से बेस ने किया है, तो प्रोटॉन एच प्लस रिलीज हो गया और बोरोन बोरोन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। द ब्रोस्टिड एसिडिटी ऑफ बोरोन हाइड्राइड इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली विद साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनकी क्या होती है, ब्रोस्टिड एसिडिटी बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है उसको हम देखते हैं। दिस ट्रेंड कोरिलेट विद द ग्रेटर डिलोकलाइजेशन ऑफ ए चार्ज इन द लार्जर क्रिस्टल इन विच द सेम बी एस डिलोकलाइजेशन ऑफ अकाउंट फॉर द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग आ गई, क्योंकि जैसे जैसे बोरिन हायर बोरेन्स होंगे तो उनके अंदर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, असल में जो इनके अंदर जो क्लस्टर की बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो फिक्स बॉन्ड नहीं है, जैसा कि इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये जो अंदर का क्लस्टर है, जो इसका स्केलेटन है, उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या डीलोकलाइजेशन है। यहाँ पर हमने बात की थी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात की थी, डिफरेंट ये 7 जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बच्चों डबल बॉन्ड में ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन इनका क्या है, डीलोकलाइजेशन है, ये कोई फिक्स्ड बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, बल्कि क्या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। तो फिर ये इसी तरह से बिहेव करने लगेंगे जैसे कि हम ऑर्गेनिक में देखते हैं, जैसे कि फिनोल का ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या करने लगता है, अंदर डीलोकलाइज करने लगता है। जैसे जैसे बोरेन का साइज इंक्रीज होगा तो उनका डीलोकलाइजेशन इंक्रीज होगा और उनकी ब्रोस्टिड एसिडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके जो प्रोटोन है इस डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि ओवरलैप्ड है, जैसा कि कॉन्जुगेशन हमारा ऑर्गेनिक में, इनमें कॉन्जुगेशन हम देखते हैं उसी तरह से। इसीलिए बच्चों ब्रोस्टिड एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम क्या हो रहे हैं, हायर बोरोन की तरफ को जा रहे हैं। द ट्रेंड ऑफ कोरिलेट विद ग्रेटर डीलोकलाइजेशन, क्या होता है, ग्रेटर डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है ऑफ द चार्ज इन लार्जर क्लस्टर इन द सेम वे डैट डीलोकलाइजेशन अकाउंट फॉर द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फिनॉल देन मेथेनॉल। मेथेनॉल के कंपेरिजन में ये मोर एसिडिक होता है, क्योंकि ये एनायन को डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इसीलिए जो हायर बोरेन है उनके अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन है, क्योंकि उनके अंदर भी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चों, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से हो रही है, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो कॉन्जुगेशन में होता है, उसी तरह से वहाँ पर भी क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया है, वहाँ पर भी कॉन्जुगेशन कहें मतलब डीलोकलाइजेशन हो गया है, इसलिए एसिडिटी इंक्रीज होती है। द बेस ट्राइमिथाइलैमिन डी प्रोटोनेट्स डेकाबोरिन, डेकाबोरिन को क्या करेगा, डेकाबोरिन को डी प्रोटोनेट करेगा, बट मच स्ट्रोंगर बेस इज दिस रिक्वायर्ड टू डी प्रोटोनेट। अगर लोअर बोरेन है तो हमें क्या स्ट्रोंगर बेस की नीड होती है, जैसे कि यहाँ पर LiCH3 है, पॉलीमरिक फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है LiCH3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या करेगा, एज ए बेस बिहेव करेगा, एक प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो बोरोन बोरोन के बीच में बॉन्ड बन गया। इससे ऊपर रिएक्शन दिखा रहा है कि ब्रिज बोरोन का अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगा एच प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी बी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही यहाँ पर रहे हैं। दो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन था बच्चों वो कैसा था, 3 center 2 electron bonds थे, बॉन्ड्स जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे वो क्या थे, 3 2 electrons थे यहाँ पर, एक वैकेंट है 2 electrons, एक हाइड्रोजन का, और लेकिन इसके ऑर्बिटल में इनके साथ ही ओवरलैप कर रखा है, तो यहाँ पर 3 centered bond हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 centered हो रहे हैं, 1 center हाइड्रोजन वाला सेंटर, 3 center, लेकिन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे, उतने ही रहे, लेकिन प्रोटॉन एच प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से ब्रिज वाला होगा तो वहाँ पर एच प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट इसने किया है CH3 निगेटिव ने, तो यहाँ बॉन्ड क्या हो गए, ये 2 electrons यहाँ पर ही रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज वहाँ पर नहीं हो रहे उस क्लस्टर के अंदर। तो जो हाई यहाँ पर भी, तो सेकेंड में जो सिमिलरली मैच करते
हाइड्राइटिक करेक्टर, हाइड्राइटिक करेक्टर मतलब एच से निगेटिव का करेक्टर, मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल एनायन बोरोहाइड्राइड्स, जो स्मॉलर बोरोहाइड्राइड्स हैं तो उसके अंदर हाइड्राइट का करेक्टर रहेगा, लेकिन जो हायर होंगे तो उनके अंदर हाइड्राइट जैसा भी है वो नहीं करते, लार्जर हाइड्रो बोरेन रीजन डिलोकलाइजेशन है। तो यहाँ पर BH4 तो प्रोटोन से एसिड से रिएक्शन करके H2 रिलीज कर देगा, लेकिन हायर बोरेन्स होंगे जैसे कि इसके ऊपर एनायन है, सर्वाइव इवन स्ट्रोंगर एसिडिक सोल्यूशन, स्ट्रोंगर एसिडिक सोल्यूशन में भी इसका एनायन उस H+ से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इस तरह से H2 रिलीज नहीं कर रहा है नॉर्मली। इवन हाइड्रोनियम साल्ट बना रहा है, मतलब हाइड्रोनियम के साथ भी बच्चों क्या कर ले रहा है, ये जो निगेटिव है हायर बोरोन्स पर जो निगेटिव चार्ज है वो इसका प्रोटॉन अब्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है, ये कैटायन और ये एनायन उसके साथ क्रिस्टलाइज हो जा रहा है, उसके साथ क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो जो यहाँ पर जो करेक्टर होता है हाइड्राइडिक करेक्टर मतलब एच निगेटिव वाला करेक्टर लोअर बोरेन्स में रहता है, वो जो है बच्चों एज ए बेस एक तरह से H+ से रिएक्ट करके और H2 रिलीज कर देते हैं, लेकिन ये करेक्टर डिक्रीज हो जाता है कहाँ पर, हायर बोरेन में। रीजन क्या रहा, एनायन का डिलोकलाइजेशन हो गया, वहाँ पर भी एनायन का डिलोकलाइजेशन हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्लस्टर बिल्डिंग, क्लस्टर को बिल्डिंग रिएक्शन, क्लस्टर को किस तरह हायर लोअर क्लस्टर से हायर क्लस्टर किस तरह से बनाया जाता है, बच्चों बोरेन की रिएक्शन कराई जाती है बोरोहाइड्राइड से, ये बोरोहाइड्राइड है निगेटिव चार्जेस है कैटायन प्लस, तो ये निगेटिव और बोरेन से रिएक्शन कराई जाए थोड़े से हायर टेम्परेचर पर, तो क्या हायर बोरेन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम यहाँ पर इसके NMR की, 11B NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी रिवील्ड एट बोरोन स्केलेटन ऑफ B11H14 एनायन कंसिस्ट ऑफ एन इकोसाहेड्रोन विद मिक्सिंग वर्टेक्स। तो बच्चों NMR जैसे प्रोटॉन NMR है तो किसकी पीक देता है, जितने टाइप के क्या है H होते हैं तो उसी एटम की वो पीक्स देता है। अगर 13C NMR है तो वहाँ पर जो पीक्स आती हैं वो किसकी आएंगी, कार्बन की पीक्स आती हैं। अगर किसी कंपाउंड्स का हम 11B NMR ले रहे हैं तो पीक आएंगी बच्चों बोरोन की पीक आएंगी, कितनी पीक आएंगी, जितनी तरह के प्रोटॉन जितनी तरह के बोरोन्स उसके अंदर होंगे। तो जब इसका NMR लिया गया तो इसकी स्ट्रक्चर कंसिस्ट किसके, इकोसाहेड्रोन के, जो कि नीचे बच्चों NMR दिया हुआ है इकोसाहेड्रोन ये स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो पीक्स आई हैं बच्चों 3 पीक्स आई हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो है थ्री तरह के बोरोन्स हैं। और यहाँ पर पीक्स भी बच्चों किस तरह से आती हैं, जितने रेशियो में होंगी। तो यहाँ पर एक बोरोन तो बच्चों नीचे है, फिर 5 बोरोन की लेयर है ये, नेक्स्ट फिर 5 बोरोन की फर्दर रेयल है इकोसाहेड्रोन में। तो यहाँ पर बच्चों 3 तरह के बोरोन्स हो गए। तो पीक्स नंबर ऑफ पीक्स कितनी आएंगी NMR में, 3 पीक्स आएंगी। वो भी किस रेशियो में आएंगी, उन जितना यहाँ पर है, तो 1:1 में। नेक्स्ट बच्चों लेयर के 5 डिफरेंट तरह के बोरोन है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 तरह के बोरोन्स हैं। तो 1 बोरेन जो कि यहाँ पर नंबर लिखा है 1 बोरेन की पीक बच्चों यहाँ पर ये 1 लिखा है, और फिर नेक्स्ट जो पीक है 2 से 2, 3, 4, 5, 6 बोरेन की ये पीक आई है, और 7 से 11th की सेकेंड पीक आई है। और इनका रेशियो ऑलमोस्ट क्या है, 1:1 है, और इसका 5 रेशियो है, मतलब ये जो है इसके 5 टाइम्स है, इसके 5 टाइम्स है। तो ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पर बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, V11H14 निगेटिव कि ये इकोसाहेड्रोन स्ट्रक्चर है। ये 5 सिमिलर है बोरोन्स हैं तो एक पीक देंगे, नेक्स्ट 5 लेयर जो सिमिलर हैं क्योंकि इससे जो बच्चों क्या जा रही होगी C5 एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अगर NMR लें 11B NMR लें, वो भी डिकपल्ड किया गया है, प्रोटॉन्स को उससे डिकपल कर दिया गया ताकि वो कपलिंग ना करे, तो उससे हमें पता चल रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बच्चों, इकोसाहेड्रोन स्ट्रक्चर है। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन बच्चों यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ H+ प्रोवाइड ए रूट ऑफ एल्काइलेटेड एंड हैलोजिनेटेड स्पीसीज। तो बच्चों यहाँ पर फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह भी रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या ये डीप्रोटोनेट किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो यहाँ पर जो एनायन बनेगा वो के किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर मिथाइल को लगाया जा सकता है। तो फ्रीडलक्राफ्ट टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ H इज कैटलाइज्ड बाय लुईस एसिड
such as aluminium chloride, and the substitution generally occur on the closest portion of the borane cluster. Closed portion of the borane cluster. तो यहाँ पर इस तरह Friedel-Crafts type की reaction इनके अंदर हमें देखने को मिलती है. तो बच्चों यहाँ पर कुछ हमने important बात की, जैसे कि जैसे जैसे हाइड्रोबोरेंस बच्चों हायर हाइड्रोबोरेंस होते जाते हैं, बोरोन की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उनकी ब्रोस्टेड एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डीलोकलाइजेशन बढ़ता जाता है. जितना बड़ा बोरिन होगा, जितना लार्जर होगा उसका क्लस्टर, तो उतना ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा और उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. जबकि लोअर बोरिन किस तरह का बिहेव कर रहे थे बच्चों, एज ए लुइस एसिड बिहेव कर रहे थे और किस तरह से ब्रेकआउट क्लीवेज दे रहे थे. जबकि हायर बोरिन्स क्या कर रहे हैं बच्चों, डीप प्रोटोनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. बेस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है उनका, डीप प्रोटोनेशन हो रहा है.